भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने 96 में मुझे राष्ट्रपति भवन में संगीत में नेशनल अवार्ड दिया। ना केवल हिंदुस्तान, अमेरिका, कनाडा, साउथ अफ्रीका, रशिया, सब जगह मैंने भारतीय संगीत का परचम लहराया, बापूजी का नाम रोशन किया। मुझे बापूजी ना केवल हिंदुस्तान मगर विश्व में भी सनातन धर्म की जो संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी उन्नति देश की तभी होगी जब हम पूज्य बापूजी जैसे संत जो है उनकी रक्षा में एक साथ आएंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक मेहता है, मैं एक संगीतकार हूँ, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट म्यूज़िक हूँ एक नामी स्कूल श्रीराम शिक्षा मंदिर जो दिल्ली अलीपुर पे है, वहाँ पर मैं संगीत सिखाता हूँ। सबसे बड़ी बात जो मेरी शुरुआत हुई इस बड़दादा के से ही, मैंने मन्नत मांगी थी कि देश का जो सबसे बड़ा सम्मान संगीत का था, नेशनल अवार्ड ऑफ म्यूज़िक, मैंने बापूजी के बड़दादा से मन्नत मांगी। और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने 96 में मुझे राष्ट्रपति भवन में संगीत में नेशनल अवार्ड दिया। और उसके तुरंत बाद मैंने बापूजी से दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद ही ना केवल हिंदुस्तान, अमेरिका, कनाडा, साउथ अफ्रीका, रशिया, सब जगह मैंने भारतीय संगीत का परचम लहराया, बापूजी का नाम रोशन किया। और यहाँ तक कि दीक्षा लेने के बाद जब मैं अमेरिका गया तो वहाँ देखा मैंने कि कुछ अपने इंडियंस घरों में जब मैं गया तो वहाँ मैंने बापूजी की फ़ोटो लगी हुई देखी, तो मेरे मन में इतना खुशी हुई कि हमारे गुरुदेव पूज्य बापूजी ना केवल हिंदुस्तान मगर विश्व में भी सनातन धर्म की जो संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। मगर दुख की बात यह है कि जैसे अभी मोदी जी ने जो निर्णय लिया उसमें सारा देश एक हो गया, किसके लिए? देश के रक्षा के लिए, देश के उन्नति के लिए। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी उन्नति देश की तभी होगी जब हम पूज्य बापूजी जैसे संत जो है उनकी रक्षा में एक साथ आएंगे। बहुत से न्यूज़ चैनल 90% पेड मीडिया है, उनका जो मुख्य लक्ष्य है कि जितने लोग उनके टीवी चैनल को देखेंगे, जितनी उनकी TRP बनेगी, उतना वो पैसा कमाएंगे, उतना वो करोड़पति बनेंगे। वो काला धन, ये काला धन है जो वो ऐसे महान संतों को, हमारी संस्कृति को बर्बाद करके कमाना चाहते हैं। तो मैं पूरी युवा पीढ़ी को ये कहूँगा कि जैसे आप अभी काले धन के खिलाफ एकजुट हुए हैं, ऐसे ही जो कुप्रचार हमारे भारतीय समाज और सनातन धर्म के जो सिर मोर हैं मेरे गुरुदेव पूज्य बापूजी के खिलाफ किया गया है, और ऐसे चैनलों को देखना बंद करें जो हमारे सनातन धर्म के संतों के खिलाफ, एक तो कुप्रचार, झूठे आरोप, कोई तथ्य नहीं, ऊपर से इतने गंदे तरीके से संत के नाम को बोला जाता है, उससे लगता है कि हमारे जो, मुझे शर्म आती है कई बार कि हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा भी हो सकता है।